व्यस्तता थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ तो लेकिन अब स्वास्थ्य उतना साथ नहीं दे रहा है ना। अच्छा तबीयत। हाँ हाँ रिटायर हो गए हैं तो समय तो उनके पास हो गया लेकिन अब वो ऊर्जा नहीं रही। यही होता, यही होता है ना, हाँ ये तो जब है। ऊर्जा है तब समय नहीं है, जब समय है तो ऊर्जा नहीं है। हाँ स्वास्थ्य नहीं है। बस हाँ इसी दुविधा में आदमी की जिंदगी समाप्त हो जाती है। ये तो बात। हाँ बहुत आदमी बाण जो मन जीवन के आपा था ना, बहुत समृद्धि ठीक हो गई, लेकिन शरीर इतना अस्वस्थ हो गए जब कोनो सुख शांति में के। जो कमाए भी थे जवानी में इतना खटके, उसको ही नहीं अब भोग पाएंगे। हाँ, शरीर में दस एकदम तरह रोग के बुरी तरह रोग से। हो गए, 10 तरह के शरीर ही साथ छोड़ रहा है। ब्लैक विलियम में वो कभी भाई बन तो कहले बन कि एनर्जी इज द लाइफ, शक्ति ही आनंद है। हाँ अब शक्ति छीन हो गई, अब कुछ बचल नहीं खे। हाँ शक्ति को ही आनंद में बदलना है, और वो शक्ति रही नहीं तो अब क्या, जो मिल मिलाती भी शक्ति है उससे अपने जीवन की कुछ सांस चल जाए बस वही बहुत है। थोड़ा बहुत रोग से लड़ने में शक्ति लग जाएगी, थोड़ा बहुत गृहस्थी तो रहती ही रहती है। आनंद ना बचल। कुल मिला के बूढ़ा आदमी अक्सर बहुत मने ठीक ठाक व्यवस्था बाहर ही, लेकिन एकदम चिंता तुर विषादग्रस्त हो जाएगा मन में हाँ आवत। जीवन भर के जहर जमा हो जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या करेगा। अब वो अपना रोएगा दुखड़ा, उसमें नकारात्मकता इतनी भर जाती है कि उसको बस कोई चीज पर ना विश्वास होगा ना कुछ वो करेगा, वो न करने के लायक रह गया। बहुत बूढ़े लोग आते हैं तो देखता हूँ मैं, तो उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वे भी जो हैं वो उसी तरह क्षीण हैं, जिस तरह से शरीर क्षीण हो गया है उसी तरह से मन क्षीण हो गया है, जिज्ञासाएं भी क्षीण है। वो एक चूंकि उनके पास अब बहुत फालतू समय है इसीलिए पूछ रहे हैं। कुछ पूछते भी हैं तो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि बस फालतू समय है। अन्यथा उनकी जो है इच्छा तो अभी भी है, क्योंकि मैं कुछ बुड्ढों को टटोला हूँ तो मैं एक एजम्पशन दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अभी 20 वर्ष का युवा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। हाँ ईमानदारी से कहिए तो वो जो है वे ही सोचते हैं कि जो आज का 20 वर्ष का जो लड़का कर रहा है ना उसी को करना चाह रहे हैं, यानी उन्होंने अभी तक अपने जीवन में यथार्थ में कुछ सीखा नहीं, वो उसी को फिर रिपीट करना चाह रहे हैं, मतलब अभी भोग ठीक की। ठीक वही यजात हाँ की जो कथा है। हाँ बस वही तृष्णा बची है, ये आती है। तो अच्छा ऐसा वही तृष्णा उनकी बनी हुई है, वो अब कई हजारों हजारों वर्षों तक अगर उनको हजारों का हमको लगता है तो जन्म यही चल रहा है और शायद क्या। ययाति जैसा, जैसे ययाति को बहुत बाद में कुछ थोड़ा सा हो गया था वैसे इनको कुछ हो जाए। वासना बड़ी जीव है, मैं वो टूटे क्रम खून के रेखाट की तरह जीवन है, एक ही पर वही पटरी पर नाच रहा है, वही बस वही 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 जन्म जन्म यही चल रहा है और हाँ क्या वही हो चल। रहे, कुछ नया हो नहीं रहा है। वो तो हाँ उसी में भोग में ही कुछ नया खोजते हैं, उसमें जैसे ये औरत जो है पुरानी हो गई तो नई औरत आ जाए, लेकिन रहे औरत ही, औरत से नहीं उब रहे हैं, एक प्रकार की औरत से उब रहे हैं, दूसरे प्रकार की औरत, तीसरे प्रकार की औरत, चौथे प्रकार की औरत, तो वही चल रहा है, एक प्रकार की मिठाई, दूसरे प्रकार की मिठाई, तीसरे प्रकार की मिठाई, बस लेकिन बस मिठाई ही खा रहे हैं। मैंने अनादिकाल से जब वो सतयुग की कथा पढ़े, वही है वही भोग और
अपन क्या है, वही वही भोग और वही रोग। मैंने यजाति हुए नहुष राजा के लड़के, और नहुष राजा मैंने कितना यज्ञ किए तो इनको उनको इंद्र का पद मिला। हाँ, तो जब वो इंद्र पद पा गए ना, तो वो सती के लिए व्याकुल होकर दौड़ पड़े। तो सती भागी गई, इंद्र उस समय छिपे हुए थे कहीं कमलनाल में, क्या कमलनाल में। हाँ, तो इंद्र ने युक्ति बताया कि कह देना कि सूर्यास्त से पहले ऋषियों की पालकी पर बैठ के आए, तब स्वीकार करना। तो ऋषियों की पालकी पर बैठ गए, और अगस्त भी आगे थे, ऋषियों में सबसे आगे। शाम होने लगा और वो देर हो रहा था, वो मंजिल अभी दूर थी। तो उनके पैर में लात से विमान में बैठे थे, और पैर से उनके सिर में ठोकर मारने लगे। और तेज चलो, और तेज चलो। बस वो पटक दिए पालकी, और क्रोध में श्राप दे दिया कि मूर्ख सर्प ही हो जा। अब जबकि देखिए, शिव जी की बेटी जी थी अशोक सुंदरी, उससे नहुष का विवाह हुआ था। अब उसको छोड़ के अब सती की ओर भागे। अब मैंने ये मन जो है बस ऐसे ही दौड़ रहा है। हाँ, इस अभी जो आप कह रहे थे कि ये मिल गई तो वो मिल गया, तो वो ऐसे ही बस मैंने अंतहीन ये दौड़ है। इसका कोई मतलब ये नहीं है, कहीं ठहरेगा नहीं, तृप्ति मिलेगी नहीं, इसमें तो तृप्ति मिलने ही वाली नहीं है, किसी को नहीं मिला। अनाज काल से यही चल रहा है, दौड़ है। कितना भोजन और भोग और महल में, मैंने जो अनाज मैंने अनाद अनंत समय के भीतर 50 साल किसी महल में रह लिए तो क्या हो गया? कुछ अच्छा चीज खा लिए, पहन लिए, उससे क्या हुआ? कुछ भोगी लिए तो क्या हुआ? कुछ वो तो एक क्षण में सब भूल जाएगा, फिर नए की तलाश शुरू हो जाएगी जी। उससे कहीं रुकेगा थोड़ो वहाँ, नए तो क्या रुके? दौड़ है और क्या है। जब तक भोजन की कामना है तब तक भोग की कामना है। तो प्रजनन मनुष्य कहता है कि भोजन कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन गलत कहता है। उसके मूल में जो है जिंदा रहने के लिए वो नहीं कर रहा, भोग के लिए वो भोजन कर रहा है। अब उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो करेगा क्या? हाँ, भोग करेगा। उस ऊर्जा को उसको बदलने की उसके पास जो है वो कीमिया नहीं हासिल है कि कैसे हम इस ऊर्जा को हम शिवत्व में बदल सकते हैं। तो बस वो वही वो भोजन कर रहा है, भोग करेगा। हाँ, और भोग करेगा, इसको कहने में उसको लाज लग रही है। वो तो कह रहा है जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं, नहीं खाएंगे तो बचेंगे कैसे? लेकिन बच के तुम करोगे क्या? कुछ ही लोग असल में बहुत क्या कहा जाए, मिल जाता है कभी कभी जीवन में, अच्छा आ जाता है जब आदमी एकदम एक झटके से रूपांतरित हो जाता है। नहीं तो बाकी तो सारा जगत ऐसे। अब सतयुग की कथा पढ़िए, वही काम क्रोध लोभ मोह। आज की कथा भी वही, जो मूल मूल व्याधि है वो तो यही है। मनुष्य का वास्तव में कोई विकास नहीं हुआ है। मनुष्य गुफा में रहता था, उस समय भी वो वैसा ही करता था। उसकी जो मनोवृत्तियां हैं वो तो वैसे ही थी, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। आप साधन का विकास खाली किए बस। हाँ, बैलगाड़ी की जगह आप जो है हेलीकॉप्टर ले आए, लेकिन वो काम तो वही रहा, क्रोध तो वही रहा, लोभ तो वही रहा, मोह तो वही रहा, द्रोह तो वही रहा, अहंकार वही रहा। उसमें तो कुछ विकास हो ही नहीं पाया। उसमें अभी मनुष्य वहीं पर है, गुफा के जमाने में ही है। मैंने पहले क्रोध होता था तो लोग पत्थर से मारते थे, अब गोली बंदूक मिसाइल चला रहे हैं। आप देखिए,
क्रोध तो वही है, वही कितना भीषण क्रोध है कि हम सबको मिटा देंगे, पूरी जाति को मिटा देंगे, इतना भीषण क्रोध है। यही है और क्या है, मनुष्य अपने इस हिंसात्मक पागलपन को नहीं देख पाता है, इसको इसको वीरता का नाम देता है वो। अपने इस हिंसात्मक पागलपन को वीरता का नाम दे देता है और उसके लिए मेडल भी दे देता है। अब उसका अहंकार और प्रचंड हो जाता है, वो सोचता है कि ना बहुत सही रास्ते पर हूँ।